नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे XUV300 पेट्रोल स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि टर्बो GDI एक नया इंजन है उसके साथ में आता है। इंजन तो वही है लगभग, इसमें थोड़ा सा बड़ा टर्बो लगा के इसकी पावर को इम्प्रूव किया गया है। एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस स्पोर्ट्स के कुछ स्टिकर देखने को मिलेंगे जो कि गाड़ी को बताएंगे कि एक स्पोर्ट्स मॉडल है। बूट स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप थोड़ा सा कंसर्न कर सकते हैं, सिर्फ 256 लीटर की बूट स्पेस आती है इसमें और इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है महिंद्रा का XUV300। अब इंजन की बात कर लें तो इंजन में आपको ये मिलेगा लगभग 130 हॉर्स पावर के साथ में स्पोर्ट्स मॉडल, जो कि लगभग 200 के ऊपर आपको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। बाकी दोनों इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का स्टैंडर्ड इंजन आता है इसमें, जो कि 110 लगभग हॉर्स पावर देता है और लगभग 200 का टॉर्क देता है। वहीं डीजल इंजन भी 115 हॉर्स पावर और 300 का टॉर्क देता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको फील होगा एक्चुअल में टॉर्क। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर अब जो स्पोर्ट्स मॉडल है ये वाला, इसमें फुल ब्लैक इंटीरियर आएगा। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर बड़ा ही कमाल दिखता है, यहाँ पर सारे ट्रैक्शन वगैरह कंट्रोल है, यहाँ पर सारे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे फंक्शन है। ग्लव बॉक्स में तो आप पूरा का पूरा लैपटॉप घुसा सकते हैं, इतना लंबा है अगर अंदर तक देखेंगे आप इसको। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, मतलब कहीं कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिल जाती है, दूसरी साइड भी पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं लगेगी। थोड़ा सा प्राइस जो ज़्यादा है उसका कारण ये है कि गाड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कैसा लगा आपको ये स्पोर्ट्स XUV300 TGDI मॉडल, बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।